as President of Pakistan. As President of Pakistan. Except as may be required. Except as may be required. For the due discharge of my duties as President. Required for the due discharge of my duties as President. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. आसिफ अली जरदारी ने सदर ममलकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजिस्सा ने आसिफ जरदारी से हल्फ लिया। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बरदारी में तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान की शिरकत, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। आसिफ जरदारी सदारती इंतखाब में 411 इलेक्टोरल वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुए। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा समेत 40 से जायद पीटीआई कारकुनान गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जीपीओ चौक में पुलिस की भारी नफरी मौजूद। तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर समेत मुल्क भर में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था। रमज़ान में आम आदमी को रिलीफ देने का अज़्म। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए ख़ुसूसी रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपये कर दिया गया। वज़ीरे आज़म का रमज़ान पैकेज का दायराकार भी वसी करने का हुक्म। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान पैकेज पहुँचाने की हिदायत। रिलीफ पैकेज के तहत यकम रमज़ान से आम बाज़ार से कम कीमत पर अशिया मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब का पूंछ हाउस में मॉडल रमज़ान बाज़ार के कंट्रोल रूम का दौरा। सूबाई मॉडल बाज़ार कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। मरियम नवाज ने डिस्ट्रिक्ट और PITB के डैशबोर्ड का भी मुशाहिदा किया। आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं, रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 रमज़ान तक तमाम ज़रूरतमंदों तक रमज़ान निगबान पैकेज पहुँचाएँगे। नमूनिया की संगीन सूरतहाल, सबसे ज़्यादा मुतासर नौनिहाल। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 3 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में नमूनिया 1 बच्चे की ज़िंदगी निगल गया। लाहौर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 37 नए केसेज रिपोर्ट। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 80 से ज़ायद बच्चे ज़ेर इलाज। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात अदम दस्तियाब। माह रमज़ान का चांद देखने के लिए रवैत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल और ज़िले रवैत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रर वक्त पर मुनक्किद किए जाएंगे। माहिरीन फलकियात के मुताबिक पहला रोज़ा 12 मार्च बरोज़ मंगल को होने के कवी इम्कान। जेलों में बंद कैदियों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। पंजाब की तमाम जेलों में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। जेलों में 50,000 से ज्यादा कैदी हैं। 60,000 रुपये से कम आमदन वाले मुलाजमीन को भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। रमज़ान के आगाज़ से कबल पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का फूड सेफ्टी टीम के हमरा मरगजार कॉलोनी का दौरा। 500 लीटर गंदा जायदुल मियाद आयल समेत टोल पट्टियां तलफ, प्रोडक्शन यूनिट बंद। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी। रवां साल अब तक 10,75,000 गाड़ियों के चालान किए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने पर 1,00,000 से ज्यादा चालान टिकट जारी। CTO लाहौर अमर अतर का तमाम सर्कल ऑफिसर को अपनी निगरानी में क्रैक डाउन करने का हुक्म। अमर अतर का कहना था कि कार्रवाईों का मकसद ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती और मुनज़्ज़म ट्रैफिक को यकीनी बनाना है। लाहौर के नवाई गांव चटियावाला में पाक फौज का फ्री मेडिकल कैंप। डॉक्टर्स ने सैकड़ों अफराद का तबी मुआयना किया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने डेंगू समेत बीमारियों से बचाव बारे आगाही लेक्चर दिए। शहरियों ने फ्री मेडिकल कैंप लगाने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
शहर की सड़कों से गैर जरूरी बोर्ड्स फौरी हटाने का फैसला। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ को अहम सड़कों का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। पार्किंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी मॉडल टाउन का दौरा। ज़ेर तमीर इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। डॉक्टर उस्मान अनवर का ज़ेर तकमील कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। शहरियों को बेहतरीन माहौल में खिदमात की फराहमी के लिए मज़ीद इकदाम जारी रहेंगे।